हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। स्वागत है आप सबको मेरे और एक नए वीडियो में। तो जो भी चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज मैं बताने वाला हूँ कि रथ यात्रा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था, ये सब बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रथ यात्रा क्यों हो रहा था उसके बारे में बताएंगे। रथ यात्रा मतलब इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि पूरे भारत में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी स्टेट है, वहाँ पे हर स्टेट में, मतलब हर स्टेट का हर एक ये में डिस्ट्रिक्ट में या हर एक गांव में, हर एक जगह में ये होता है माल गोदाम होता है। उसमें मतलब जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं उन लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए लीडर चुना गया था। जो लीडर चुना गया था उन लोगों को कहा गया था कि सब जितने भी श्रमिक माल गोदाम में काम कर रहे हैं उन लोगों का डेटा फटाफट जमा करके उन लोगों को सौंपने के लिए कहा गया था। लेकिन लीडर लोग क्या कर रहे हैं, लीडर लोग मतलब अपने लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं और श्रमिक भाइयों का काम छोड़ के इसमें अपने लोगों को शामिल करने में लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा डेटा सबमिट करने में लेट हो गया। तो अभी जब से रथ यात्रा इसी कारण शुरू किया गया था क्योंकि मनोरंजन सर और अरुण कुमार पासवान जी खुद जाके पता करें कि क्या परेशानी आ रहा है अपने श्रमिक भाइयों में, उन लोगों का परेशानी देखने के लिए और माल गोदाम का निरीक्षण करने के लिए वो लोग इसीलिए राष्ट्रव्यापी दौरा शुरू किए थे ताकि वो लोग खुद जा सके और खुद डेटा जमा ले सके। इसीलिए मतलब अभी सभी गोदाम में जितने भी लीडर्स है काम फटाफट कर रहे हैं। अभी तो ID बनवाना भी बंद हो चुका है तो काम जल्दी हो जाएगा। जितने भी रजिस्टर में साइन वगैरह करना था सब कर चुके हैं, अभी डेटा रेडी हो चुका है। जब वो लोग राष्ट्रव्यापी दौरा करने आएंगे तो डेटा सौंप देंगे, वो लोग को रजिस्टर सौंप देंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे वो सब भी सौंप देंगे। ID कार्ड, QR कार्ड वाला जो भी था, ग्रीन कार्ड विन कार्ड वगैरह वगैरह सब सौंप देंगे। उसके बाद वो लोग उसको लेके जब रथ यात्रा ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद वापस जाएंगे, वहाँ पर त्रिपक्षीय बैठक करेंगे, उन लोगों का लिस्ट तैयार किया जाएगा कि कौन सा गोदाम में कितना लेबर देना है, कितना मुंशी देना है, कितना सरदार देना है, कितना अंसलारी काम करेगा, सबका लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा मीटिंग होगा जहाँ पर आपका सैलरी का मीटिंग और आपका ज्वाइनिंग का मीटिंग किया जाएगा, जहाँ पर आपका डेट फिक्स किया जाएगा कि उस तारीख में ज्वाइनिंग होगा और सैलरी इतना मिलेगा, उसके बारे में वो मीटिंग में कर देंगे। या तो त्रिपक्षीय बैठक में भी हो सकता है इसके बारे में बात, या मीटिंग में भी हो सकता है। आइए तब तक के लिए देखते हैं क्या होता है, या त्रिपक्षीय बैठक में होते हैं ये बात या मीटिंग में होते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो यही था रथ यात्रा का कारण, जो लीडर लोगों की वजह से जो मतलब वो लोग डेटा सबमिट करने में लेट हो रहा था। अगर डेटा सबमिट वो लोग टाइम पर कर देते तो शायद अभी तक ज्वाइनिंग हो जाना था। और शायद और एक रीज़न भी है इसका, क्योंकि सैलरी वो लोग जितना डिमांड कर रहे हैं उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर जितना वो लोग डिमांड कर रहे हैं एक्सेप्ट कर देता तो शायद 2013-14 में ये काम हो जाता। और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड है, काम नहीं होगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, 20-25 साल लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर और भी लेट लगता, देखिए अगर पहले से अगर काम होना था तो अगर 2001-2002 या 2005-2006 के अंदर में काम होना चाहिए था, वो टाइम में अगर काम होना था तो वो लोग तभी ये सब करवा लेते, पंजीकरण करवा लेते, ई श्रम कार्ड वगैरह जो भी काम था वो सब लेबर मिनिस्ट्री से बात करके या रेलवे मिनिस्ट्री से बात करके ये सब काम करवा लेते। तब मतलब वो सुविधा नहीं था, मतलब वो लोग काम तो कर रहे थे, मतलब जोर दे रहे थे कि काम होना चाहिए, फिर भी मतलब आप लोगों को तो पता ही है ये पॉलिटिक्स कैसे होते हैं, हर 5 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। इसीलिए मतलब एक के साथ डेटा चला गया वो 5 साल के बाद बदल गया, तो फिर दूसरे के साथ डेटा चला गया वो भी बदल गया, ऐसे होते होते मतलब काम पीछे छूटते जा रहे हैं। अभी तो काम पूरा हो ही चुका है, सब कुछ हो चुका है। अभी आप लोगों को तो पता ही है, सबका पंजीकरण भी हो चुका है, जितने भी श्रमिक भाई है पंजीकरण हो चुका है। और जिस जिसका भी नहीं हुआ है उन लोगों को शायद अपने लीडर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि रथ यात्रा तो ख़त्म होने वाला है। अभी तो कल बिहार तक भी पहुंच गया रथ यात्रा, कल बिहार में भी हो गया था, सोफल ज़िले में 12 बजे तक और 12:30 के करीब में शुरू हो गया था वहाँ में राष्ट्रव्यापी दौरा, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी वहाँ से फिर निकल के दूसरे ज़िले में जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत ही जल्द ख़त्म होगा। ऐसे होते होते शुरुआत तो दिल्ली से किया था, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ऐसे हो गया अभी तो बिहार पहुँच गया है। तो बहुत ही
जोरों से चल रहा है राष्ट्रव्यापी दौरा भी, ये भी बहुत जल्द ख़त्म होंगे। तो इसीलिए जिस जिस ज़िले में राष्ट्रव्यापी दौरा हो चुका है उसका डेटा सबमिट हो चुका है, आप लोगों को स्लिप अभी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके रखना है, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो जिस जिस ज़िले में नहीं हुए हैं उन लोग अपने लीडर से कहिए कि काम फटाफट करने के लिए अपना जो भी रजिस्टर वगैरह में साइन करना है सब करके आप लोग रेडी रहिए। तो जब राष्ट्रव्यापी दौरा आपके ज़िले में हो जाएगा उसके बाद, हर ज़िले में जब हो जाएगा उसके बाद वो लोग रजिस्टर को लेके जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा वो अपडेट मिल जाएगा, त्रिपक्षीय बैठक होगा या मीटिंग होगा, आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा उसके बारे में। तो यही था राष्ट्रव्यापी दौरा का कारण कि डेटा सबमिट नहीं हो रहा था जल्दी, क्योंकि उन लोगों को काम जल्दी करवाना है यही साल के अंदर में, दिसंबर के आगे आगे या दिसंबर का अंत तक आपको ज्वाइनिंग भी करवाना है, क्योंकि बहुत प्रेशर है श्रमिकों का। अगर ये काम नहीं होता है तो श्रमिक कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए कुछ भी का मतलब क्या करेंगे, वैसे तो काम तो कर ही रहे हैं। और मतलब इसका यही बात है कि आपको स्लिप जो ठेकेदार के अंदर में आप लोग काम करें वो ठेकेदार सिस्टम हटाएगा, बस यही है आपका। तब अगर ठेकेदार सिस्टम हटा के आपको एक्स्ट्रा से ज्वाइनिंग दिलवाएंगे, वही बात चल रहा है अभी, तो शायद ये काम फटाफट हो जाए। आइए देखते हैं और कितने दिन लगते हैं, जल्दी तो होना चाहिए, अभी तो राष्ट्रव्यापी दौरा भी ख़त्म होने वाला है, शायद बहुत ही जल्द काम भी हो जाए। तो बस यही था आज के वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आगे भी आप लोगों को मिलते रहेंगे इस तरह के अपडेट BRMGSS के बारे में, जो भी अपडेट आते हैं आप लोगों को अपडेटेड मिलते रहेंगे, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो यही था, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।